हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आर्काइव 81 सीरीज का, जो कि नेटफ्लिक्स में आया है। बात करें इस टीवी सीरीज के बारे में, तो ये एक बेहतरीन सुपरनेचुरल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है। मतलब इस टीवी सीरीज में आपको हर एपिसोड में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मिल जाएगा सुपरनेचुरल हॉरर मिस्ट्री के साथ ही साथ साईफाई का भी इसमें थोड़ा मिक्स है, और बेहतरीन सीरीज है ये। तो इस वीडियो में मैं एपिसोड 1 ही एक्सप्लेन करूंगा। अगर रेस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं जल्द से जल्द इसका बाकी के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन ले आऊंगा। ओके, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देख पाते हैं एक पुरानी वीडियो कैसेट यहाँ पे प्ले हो रही थी, और इसमें से एक लड़की की आवाज आ रही थी कि मुझे बचा लो। वो लोग उसे ले गए हैं और मुझे भी ले जाएंगे, ऐसे करके आवाज कट होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं डैन को, जो कि पुराने सिटिक एसिड वगैरह जो डैमेज्ड हो गए हैं उसको रिस्टोर करने का काम करता है, और उसे एक काम मिला था। उसे यहाँ पे कुछ सीडी को रिस्टोर करना था, और यहाँ पे वो सीडी को रिस्टोर करता है और साथ ही साथ वो उस वीडियो को प्ले करता है। तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कुछ लोग यहाँ पे सर्कल के चारों तरफ कुछ अजीब सा मास्क लगा के कुछ चैंटिंग वगैरह कर रहे थे और घूम रहे थे उस सर्कल में। और कुछ देर बाद हम देखते हैं डैन के एक कॉलीग यहाँ पे डैन को एक पार्सल देती है, जिसमें कि लिखा था कल सुबह तक इस फुटेज को डिजिटलाइज करना है, यानी कि रिस्टोर करना है। तो डैन यहाँ पे काम में लग जाता है, और यहाँ पे हम देखते हैं वही सेम लड़की जिसको हमने पहले सीन में देखा था। और यहाँ पे वो लड़की खुद का नाम बोलती है मेलोडी, और यहाँ पे वो खुद के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, जैसे कि वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में सोशियो कल्चरल सब्जेक्ट के ऊपर वो PhD कर रही है, और कुछ रिसर्च के लिए उसे वेस्ट कम्युनिटी यानी कि एक भीसर अपार्टमेंट है वहाँ पे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे उसके रूममेट जो कि ये रिकॉर्डिंग कर रही थी, इसका नाम होता है अनाबेल। और यहाँ पे भीसर अपार्टमेंट सुन के डैन को थोड़ा अजीब लगता है, और यहाँ पे वो इंटरनेट में सर्च करता है और उसे पता चलता है कि 1994 में भीसर अपार्टमेंट में फायर के कारण पूरा का पूरा अपार्टमेंट जल गया था, और वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए थे और कुछ तो गायब हो गए थे। नेक्स्ट वो अपने बहुत अच्छे दोस्त के पास जाता है जिसका नाम होता है मार्क, और मार्क एक हॉरर पॉडकास्ट शो चलाता है। नेक्स्ट डे डैन अपने बॉस यानी कि कैरेन से बात करता है, और कैरेन उसे बताती है कि कल रात जो उसने अर्जेंटली ये टेप रिस्टोर करवाई है उसको वर्जिल डेवनपोर्ट नाम के एक इंसान ने भेजा था, और उसके लिए वो एक अच्छा खासा कीमत देना चाहते हैं डैन को। और कैरेन यहाँ पे डैन को सजेस्ट करती है कि जल्द से जल्द जाके उनके ऑफिस में उनसे मिलो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डैन यहाँ पे वर्जिल डेवनपोर्ट से मिलने जाता है, और यहाँ पे उनके बीच कन्वर्सेशन हमें दिखाया जाता है। तो डैन यहाँ पे सबसे पहले वर्जिल डेवनपोर्ट के बारे में पूछता है, तो डेवनपोर्ट यहाँ पे बताता है कि वो अपनी प्राइवेसी मेंटेन करना चाहता है, और उसे भी डैन के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। और यहाँ पे डेवनपोर्ट यहाँ पे डैन को अप्रिशिएट करता है जो काम वो कर रहा है, और उसे एक बड़ा ऑफर देना चाहता है वो। तो 1994 में भीसर अपार्टमेंट जो जल गया था उसके रिलेटेड बहुत सारे टेप्स है जो कि डेवनपोर्ट रिकवर करना चाहता है, और ये काम वो डैन को देना चाहता है। बट डैन को यहाँ पे अंदर ही अंदर डेवनपोर्ट का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि वो वही प्राइवेसी मेंटेन करना चाहता है वाली बात। ये सुनने के बाद डैन थोड़ा उसको अच्छा नहीं लग रहा था। डैन यहाँ पे इनिशियली वो काम करने से मना करने वाला था, बट डेवनपोर्ट यहाँ पे बोलता है कि तुम्हें तो इस बात की अच्छी समझ होगी क्योंकि तुमने भी अपने अपनों को खोया है। और ये बात सुन के डैन थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि डेवनपोर्ट को डैन के बारे में इतना सब कैसे पता। और यहाँ पे हमें इनिशियली पता चलता है कि डैन की फैमिली उसके घर में आग लगने से उसकी पूरी की पूरी फैमिली की मौत हुई, बट समहाउ डैन यहाँ पे बच गया था। अब ये बात सुन के मतलब वर्जिल डेवनपोर्ट जो ये बात सुन के डैन यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है, और वो तुरंत ही इधर से चला जाता है। और जाते टाइम डैन यहाँ पे अपने फ्रेंड मार्क को फोन करता है और उसे बोलता है कि इस डेवनपोर्ट के बारे में पता लगाओ, और उसको कैसे पता चला कि डैन के बारे में इतना सब कैसे पता चला, क्योंकि ये बात इंटरनेट पे भी नहीं है। अभी हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, और यहाँ पे हम देखते हैं जिस दिन डैन के घर में आग लगा उससे पहले डैन अपने डॉग को बाहर घुमाने ले गया था, और जब वो वापस आया वो देखता है कि उसके घर में आग लग चुका है। और तभी यहाँ पे डैन की नींद खुलती है, मतलब डैन यहाँ पे नाइटमेयर देख रहा था। अभी डैन नींद से उठ के सीधा वो मेलोडी का वीडियो चलाता है, और यहाँ पे वो एक बात नोटिस कर पाता है कि उसका जो डॉग था, डैन का जो डॉग था, वो डॉग और मेलोडी जो रिकॉर्ड कर रही है उसमें उस वीडियो में जो डॉग है वो बिल्कुल ही सेम है, यहाँ तक कि उनका कॉलर भी सेम है। और ये बात बहुत अजीब ऑब्वियसली अजीब लगेगा डैन को,
तो ये सारी बात डैन अपने दोस्त मार्क के साथ शेयर करता है। मार्क को भी ये बात अजीब लगता है थोड़ा बहुत। डैन और मार्क फिर से इंटरनेट पर सर्च करने लगते हैं मिसर अपार्टमेंट में जो आग लगा था उसके बाद 13 लोग गायब हो चुके थे, इसका शायद कोई कनेक्शन हो सकता है इस लड़की यानी कि मेलोडी से। तो डैन यहाँ पे धीरे धीरे सोच रहा था कि वो वर्जिल डेवनपोर्ट का ऑफर एक्सेप्ट करेगा और उसके बदले उसको ढेर सारे पैसे भी मिलने वाले थे। डैन अभी डेवनपोर्ट से मिलने जाता है और डेवनपोर्ट यहाँ पे डैन को एक सिटी के बाहर उसका एलएमजी का एक फैसिलिटी था वहां पे लेके जाता है। डेवनपोर्ट यहाँ पे डैन को बताता है कि उसकी कंपनी यानी कि एलएमजी इस फैसिलिटी को 1980s के टाइम में खरीदे थे और उसको एक रिसर्च फैसिलिटी सेंटर बनाना चाहते थे बट कुछ कारणों की वजह से वो उसे बना नहीं पाए। इधर ही ये टेप्स वगैरह सब रखे हैं और डैन यहाँ पे अकेला काम करेगा ताकि उसको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। और मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जगह सिटी से काफी दूर था। डेवनपोर्ट यहाँ पे जाते टाइम डैन को एक वॉच देके जाता है और उस पे एक बटन था। डेवनपोर्ट यहाँ पे बताता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो बटन को दबाना ताकि मेडिकल हेल्थ केयर जल्द से जल्द इधर पहुंच सके और मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम में अगर हुआ तब भी इधर जल्द से जल्द उसकी टीम पहुंच जाएगी। फिर डैन यहाँ पे आर्काइव के अंदर जाता है और यहाँ पे उसे और एक कमरे में जो कि लॉक था उस कमरे में बहुत सारे टेप्स रखे हुए थे। डैन उसे इग्नोर करता है और उसे जो टेप्स दिया गया है रिस्टोर करने के लिए उसी काम में वो लग जाता है। अब हम यहाँ पे सेकेंड टेप देखते हैं जिसपे की मेलोडी यहाँ पे बिसर अपार्टमेंट के अंदर जाती है और उस अपार्टमेंट के बारे में वो कुछ हिस्ट्री उसका कुछ बता रही थी। यहाँ पे इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड जॉन मेलोडी का अपना रूम दिखाता है और जाते टाइम मेलोडी उसे पूछती है कि क्या आप जूलिया बेनेट नाम की एक औरत को जानती है जो कि यहाँ पे रहती है या फिर रहती थी। तो जॉन उसे बताता है कि वो ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता क्योंकि ये बिल्डिंग के पॉलिसी के खिलाफ है और जाते टाइम जॉन उसे वार्न करता है कि 6th फ्लोर से दूर रहे। अभी रात को मेलोडी एक अजीब सा साउंड सुन पाती है। यहाँ पे उसके कमरे में एयरबैंड से एक अजीब सा हमिंग साउंड आ रहा था जैसे कि बहुत लोग यहाँ पे चैंट कर रहे हैं और सडनली वो हमिंग साउंड बंद हो जाता है। यहाँ पे वो रिकॉर्डिंग खत्म होता है। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग डैन यहाँ पे प्ले करता है और यहाँ पे हम देखते हैं सेकेंड डे मेलोडी यहाँ पे रहने वालों का इंटरव्यू लेना चाहती थी इसीलिए वो वहाँ पे दरवाजे पे खटखटा रही थी लेकिन कोई भी दरवाजा ओपन नहीं कर रहा था। इसी बीच उसका एक छोटी सी लड़की जिसका नाम होता है जेस उसके साथ उसका मुलाकात होता है और उनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है जेस इसी बिल्डिंग में कुछ सालों से रह रही है और ये बिल्डिंग के लोगों के लिए छोटा मोटा काम करती है। मेलोडी यहाँ पे जेस को कुछ पैसे ऑफर करती है ताकि जेस के माध्यम से मेलोडी इस जगह के रेसिडेंट जो भी वो यहाँ पे रह रहे हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर पाए या फिर उनका इंटरव्यू ले पाए। तो जेस सबसे पहले मेलोडी को तमारा से मिलाती है और यहाँ पे तमारा और मेलोडी का कन्वर्सेशन हमें दिखाया जाता है। मेलोडी ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। उनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि तमारा एक म्यूजिक कंपोजर है। तो ये सुन के मेलोडी यहाँ पे बोलती है कि अच्छा तो तुम शायद कल गाना कंपोज करके गाना गा रही थी। तो ये बात सुन के तमारा यहाँ पे बोलती है नहीं मैं कल एक ओपेरा में परफॉर्म करने गई थी मैं इस बिल्डिंग में थी नहीं। और तमारा यहाँ पे एक म्यूजिक प्ले करती है और एज ए व्यूअर हम यहाँ पे समझ पाते हैं कि ये म्यूजिक और कल रात जो मेलोडी को सुनाई दिया ये थोड़ा बहुत मेल खा रहे हैं। और ये म्यूजिक बजा के तमारा यहाँ पे एक इशारा करती है वहाँ पे कुछ अजीब सा मास्क वगैरह था वो बोलती है कि मैं जब म्यूजिक बजाता हूँ तब ऑडियंस ये सब मास्क यूज करते हैं। तो ये बात ऑब्वियसली अजीब लगेगा मेलोडी को और पता नहीं क्यों मेलोडी ये गाना सुन के उसको बहुत वीकनेस होता है और बहुत थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है। यहाँ पे वो रिकॉर्डिंग खत्म होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं डैन यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप रिस्टोर करता है और उसको रिकॉर्डिंग को प्ले करने लगता है और रिकॉर्डिंग में हम देखते हैं मेलोडी यहाँ पे जेस का इंटरव्यू ले रही थी और मेलोडी यहाँ पे जेस को बेसिकली पूछती है कि इस जगह के लोग कैसे हैं और लोग इसी जगह को क्यों चुने इतने दूर से आके इधर रहने को। तो जेस यहाँ पे थोड़ी डर जाती है और डर के वो आंसर देती है कि लोगों को इधर खींच के लाया गया है और ऑब्वियसली ये आंसर मेलोडी को अजीब लगेगा। और थोड़ी देर में जेस यहाँ पे मेलोडी के पीछे एक अननोन चीज को देख के वो घूरती रहती है और थोड़ी देर में वो हवा में फ्लोट करने लगती है जैसे कि वो सडनली पोजेस हो गई है। और इधर मेलोडी हेल्प करके चिल्लाती रहती है। इधर डैन वही रिकॉर्डिंग देख रहा था और सडनली कुछ डिस्टर्ब नॉइज आता है और यहाँ पे सडनली एक डिमोनिक फिगर हम देख पाते हैं जिसको देख के डैन यहाँ पे बहुत डर जाता है और वो बाहर भागता है ये सारी बात मार्क को बताने के लिए। अब ये सारी बात वो मार्क को बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ और जल्द से जल्द मेलोडी और तमारा इन लोगों के बारे में सब पता लगाने के लिए उसे बोलता है क्योंकि आर्काइव के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा था और बहुत जगह घूमने के बाद सिर्फ
मोबाइल में इसी जगह पे नेटवर्क आ रहा था, इसलिए इस लोकेशन को मार्क करने के लिए डैन यहाँ पे पास के पेड़ में एक मार्क छोड़ देता है और वो वापस जाने लगता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं अजभी और हम देखते हैं कि डैन को दूर से कोई देख रहा है। अभी डैन अंदर आता है आर्काइव में और वही रिकॉर्डिंग चालू करने लगता है और यहाँ पे हम आगे रिकॉर्डिंग में देख पाते हैं कि जेस अभी होश में आ चुकी है। मेलोडी उसे पूछती है कि तुम कैसी हो और ये दोहरे क्या तुम्हें बार बार आता है। तो जेस उसे बताती है कि हाँ मुझे ये दोहरे कभी कभी आते हैं। जेस यहाँ पे बताती है कि उसकी माँ उसको डॉक्टर के पास लेके गई थी बट उसे मेडिकली कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए वो उसे पास के चर्च के फादर रूसो के पास लेके जाते हैं। और जेस यहाँ पे बड़ा ही अजीब सवाल मेलोडी को पूछती है कि क्या मेलोडी को लगता है वो एक नई दुनिया उसके अंदर ले सकती है, यानी कि क्या वो एक नई दुनिया को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर सकती है। और ये बड़ा ही अजीब सवाल था, फिर भी मेलोडी यहाँ पे इग्नोर करती है और उसको बोलती है कि हाँ तुम बहुत स्ट्रांग हो, ओके इस बात को याद रखना आगे काम आएगा। और अचानक से एक डिफरेंट रिकॉर्डिंग प्ले होने लगती है। मेलोडी यहाँ पे बोल रही थी कि वो लोग उससे ले गए, वो लोग जेस को ले गए। और यहाँ पे हम देख पाते हैं उसके पीछे बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड यानी कि जॉन खड़ा था। जॉन यहाँ पे बोलता है कि तुम्हें बोला था 6th फ्लोर से दूर रहना। और देखते देखते मेलोडी इधर से भागने का ट्राई करते हैं बट और दो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे आ जाते हैं। और तो और यहाँ पे डॉक्टर स्टीव यानी कि डैन के पिता वो यहाँ पे आ जाते हैं और मेलोडी को यहाँ पे काम डाउन कर रहे थे। ये सब देख के डैन बहुत हैरान परेशान हो जाता है क्योंकि डैन के पिता यानी कि स्टीव और मेलोडी का क्या कनेक्शन है, वो ये बात देख के बहुत हैरान परेशान हो जाता है। और इधर हम देखते हैं बिल्डिंग के चारों ओर कैमरास लगे हुए हैं और ये सारी बात रिकॉर्डिंग और डैन सबको ऑब्जर्व किया जा रहा था। और इधर वर्जिल डेवनपोर्ट ये सब देख रहा था। और इधर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 1 में ही आपको बहुत सारे मिस्ट्रीज, बहुत सारे सवाल होंगे जो कि आने वाले एपिसोड में आपको पता चलेगा, जैसे कि मेलोडी और डैन के पिता का क्या कनेक्शन है और जेस को कौन लोग उठा के ले गए हैं और ये बिल्डिंग में कुछ तो ऐसा चल रहा है। आने वाले एपिसोड में बहुत सारे मिस्ट्रीज खुलेंगे। अगर इस एपिसोड में अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है मैं जल्द से जल्द एपिसोड 2 ले आऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।